राम राम दोस्तों, डूला सीजी ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो संतोषी तो गणेश विसर्जन करने गई है, वो मैं अकेला जा रहा हूँ खेत तरफ। 3-4 दिन हो गया पानी नहीं पी रहा है, तो खेत को बांधूंगा और अभी निकल गया हूँ घर से। देखिए हम लोगों का मूंगफली, तो चलिए देखते हैं। गणेश हमारे घर के बगल में बैठाए थे नीचे चौक में, वहाँ हमारा और एक घर है बस्ती अंदर में। तो चलिए खेत तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों संतोषी आ गई है, गणेश विसर्जन करने गई थी, रात भर की लीला कीर्तन किए हैं दोस्तों। तो अभी खेत तरफ घूमने आए हैं। देखिए इधर ये हम लोगों का टिकरा है, इसमें धान लगाए हैं और अभी उस तरफ के खेत में जाएंगे, पानी वानी बांधेंगे। इसमें तो पानी बांधने को नहीं बनेगा दोस्तों, चल तो चलते हैं दोस्तों। और आज गणेश विसर्जन का प्रसाद खाने को मिलेगा, आज मैं खाना वाना नहीं बनाएंगे दोस्तों, वहीं पे बनेगा, दिखाएंगे। संतोषी प्रसाद भी लाई हैं, ये देखिए निकाल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों प्रसाद लेके आई हैं गणेश भगवान का, खा लेते हैं, अगले साल मिलेगा फिर। ये देखिए दोस्तों हम लोग जा रहे हैं, ये देख जंगल पार करके जाएंगे हम लोगों के खेत। और ये देखिए दोस्तों ये इसको क्या बोलते हैं जी, हाँ ये कफसा है दोस्तों, इसका कांदा को खाते हैं, ये जंगली वाला कफसा है, इसका कांदा भी निकलता है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग खाते थे पहले जब छोटे छोटे थे, तब भैंसा उसे चराने जाते थे उस समय। देखिए दोस्तों ये जंगल है, इधर नाग देवता भी रहता है दोस्तों, तो थोड़ा डर लगता है, देख देख के चलना पड़ता है। ये देखिए जंगल, अब इस तरफ हमारे तरफ तो नहीं आ पाया है, हाथ ही आ रहा है बोल रहे थे, ना हमारे पड़ोस गांव में है, तो यहाँ पर पार होता है दोस्तों। ये देखिए इसी में पार होता है इधर से उधर हम लोगों के खेत की तरफ से। देखिए पहुँचने वाले हैं हम लोगों का खेत, वो दिख रहा है।
देखिए दोस्तों, इसको तो बांध लिए हैं। ये देखिए पानी अटक रहा है। अब वो नीचे वाले को जाएंगे उधर, उसको ही बांधना है। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम बांध लिए हैं। पानी मार रहा है। तो ये वाला तो पूरा सूखा है, 3-4 दिन से पानी नहीं गिरा है, इसलिए सूखा है। अब पानी नहीं बांधे थे ना दोस्तों। तो चलते हैं अभी घर तरफ, घर चलेंगे। और इधर देखिए शांत सिंचाई थी। देखिए दोस्तों, हम लोग अभी जा रहे हैं। ये छोटा वाला जंगल है और इस तरफ खेत है। ये देखिए ये खेत, और ये इसमें जाएंगे हम लोग। ये रास्ता है, तो चलते हैं। इस जंगल को पार करेंगे, फिर खेत आएगा दोस्त। फिर उधर जंगल उंगल नहीं है। देखिए दोस्तों, हम लोग छोटे वाले जंगल से निकल चुके हैं। अब खेत हम गए हैं, दादी लोगों का खेत है। देखिए, और इधर मकान बनाया हुआ है, झोपड़ी। और देखिए झोपड़ी दिख रहा है, झोपड़ी है छोटा सा। बारिश वारिश होता है तो उसी में जाके बचते हैं दोस्तों भीगने से। तो चलिए, हमारे एरिया में ऐसे झोपड़ी बनाते हैं दोस्तों, खेत खेत में। धान पकता है तब सोते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये उड़ीद है। एक अब तो सूख रहा है। ये देखिए ऐसा उड़ीद है। हम लोगों का नहीं है, हम लोग नहीं लगाए हैं। टीकरा उकरा नहीं है ना, इसलिए नहीं लगाए हैं। हमारे ही परिवार के हैं, हमारे बड़े पापा लोगों का। चलिए दोस्तों, हम लोग नरवा पहुंच गए हैं। हम लोगों का मूड़ा नरवा। ये देखिए नरवा तीर तीर में कैसा फूल फूला है। ये देखिए, ये हम लोगों का नरवा है। यहाँ पे बनाऊंगा दोस्तों नहाने का, पानी लेने आऊँगा। पितर पक्ष को पानी देता हूँ। तो यहाँ तो चलिए बना लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग बना लिए हैं। ये सील है और इधर बना लिए हैं। यहीं पिताजी दादाजी और परदादा जी सभी को पानी देंगे दोस्तों। तो चलते हैं। यहाँ संतोष सिंह इंतजार कर रहे हैं, उन्हीं की तरफ है, वहाँ नहाएंगे। तो चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम तो नहा लिए हैं। ये देखिए नदी में नहाए हैं। तो चलते हैं घर तरफ। घर जाएंगे, घर के बाद खाना खाने जाएंगे। देखते हैं अगर बारी सूख जाएगा तो मुरई उरई जगाएंगे दोस्तों, बरबट्टी बरबट्टी। सूखा रहेगा तो जुताई करेंगे, फिर लगाएंगे। तो चलते हैं। घर तो पहुंच गए हैं। तो देखिए घर पहुंच गए हैं, अब तैयार होते हैं। खाना खाने के लिए बुला रहे हैं। चलिए राफा को इधर कर लेता हूँ।
देखिए दोस्तों, इधर प्रसाद खा रहे हैं, ये गणेश विसर्जन किए हैं तो प्रसाद खा रहे हैं। देखिए हम लोग भी इधर निकाल लिए हैं, देखिए। तो ये दोस्तों हम लोगों का ये दाल है, अरे केला, मखना और बटर, बरबटी का सब्जी, अरे चटनी और भजिया, अरे भात, नारियल, उधर पानी और उधर संतोषी जी उधर खा रही है। ऐसे हम लोग पूजा कर लेते हैं दोस्तों, जब भी खाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब खा लेते हैं। हम लाने से दाप और तनी लागे लाने। चलिए दोस्तों हम लोग उधर नहीं लगाए थे बीज लेने, ये देखिए झुनगा वाला बीज है, बरबट्टी इसको लगाएंगे दोस्तों, ये दो पॉकेट लगाएंगे। और ये है भिंडी रामकेलिया, हाइब्रिड बीज है, इसको भी लगाएंगे। और मूली, ये देखिए मूली, ये भी हाइब्रिड है, तो इसको लगाएंगे दोस्तों। तो चलिए लगाने की तैयारी करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तो हमारे डुलदासी जी ब्लॉग को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा देना दोस्तों। तो तब तक के लिए अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।